अगर जिस जगह पे आप काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आपकी जो वास्तु है वो जहाँ पे आप बैठ रहे हो वहां से आपके ऑफिस में खिड़की होना जरूरी है, जिससे आपको बाहर की चीजें दिखनी चाहिए। मतलब आपका विजन जो है वो दूर तक जाना चाहिए, इसलिए आपका ऑफिस पूरी तरीके से बंद होना। शीतल बाग का स्टॉक ब्रोकर एनिमोलॉजिस्ट वास्तु के हिसाब से गणेश जी, सरस्वती और लक्ष्मी जी की पेंटिंग अगर आपके बिजनेस की जगह पे हो, और वो भी अगर प्रॉपर दिशा पे हो, तो आपके बिजनेस में 100 नहीं 500% ग्रोथ आप देख सकते हो। इसीलिए सरस्वती जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा आपके वास्तु के हिसाब से बिजनेस की जगह पे, शॉप में, होटल में, हर वो बिजनेस में होना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाखर, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। वास्तु के हिसाब से बिजनेस सक्सेस के लिए अगर आपको पेंटिंग्स लगानी है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज वाली, न्यू कॉर्पोरेट वाली एंड आपके ड्रीम प्रोजेक्ट वाली पेंटिंग्स अगर आप आपके ऑफिस के मेन एंट्रेंस से लेके अंदर तक अगर आप लगाते हो, तो डेफिनेटली उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू। दिस इज शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। मुख्य दरवाजे के बैक साइड पे ना कैलेंडर लगाए, ना कोई पिक्चर लगाए, वो वास्तु के हिसाब से गलत होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। बेडरूम में कभी भी जल तत्व वाली पेंटिंग्स ना लगाए, वो अशुभ माना जाएगा वास्तु के हिसाब से। ये हाय एवरीवन, दिस इज शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। वास्तु के हिसाब से पेंटिंग बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के बाहर की दीवार पे या फिर बीम पे लगाना गलत। हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। जो प्रॉपर्टी के डील करते हैं, जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, और काफी सारी प्रॉपर्टीज आप खुद की भी बेचना चाहते हो, और जो आप जब डील के लिए बैठते हो तो वो अनसक्सेसफुल होती है, तो चलिए इसे सक्सेसफुल कैसे बनाना है। इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जब भी आप डील के लिए बैठोगे, तो केसर और चंदन का टीका लगाकर अगर आप बैठोगे, तो डेफिनेटली आपकी डील जो है सक्सेसफुल होने के राह पर चल। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। वास्तु के हिसाब से आपके घर में बहुत सारे अतिथि आने चाहिए, या फिर आपके फेवरेट वन आपके घर में काफी दिनों तक रुकने चाहिए। ऐसे अगर आपको लगता है, मतलब अतिथि देवो भव, जिन लोगों की थेरी है वास्तु के हिसाब से, उनका रूम अगर रुकने का वायव्य कोने में हो, तो सबसे बेस्ट होता है। वो आपके साथ ज्यादा पैचअप भी रहेगा और बहुत सारे दिन आपके साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। थैंक यू। मैं शीतल बाखर, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप भी आपका बायोडाटा फिल कर रहे हो, आप आपकी शादी का बायोडाटा फिल कर रहे हो, आप आपके जॉब के लिए बायोडाटा फिल कर रहे हो, तो यस डेफिनेटली नॉर्थ साइड अगर आप आपका फेस करते हो, तो आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है और जो भी सक्सेस रेशियो है वो बढ़ेगा, और आपका डाटा सक्सेसफुली जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो वहां तक आराम से पहुंच जाएगा। थैंक यू। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आने वाला हफ्ता हो सकता है आपके, मतलब सामने से आके आ बैल मुझे मार, कोई आके आपको झगड़े वाली बातें या फिर कोई इरिटेटिंग टॉक आपको करेगा, बट ये हफ्ते आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी। आपका काम बनेगा, आपके ड्रीम कंप्लीट हो गए, आपको सक्सेस भी मिलेगा, बट होता है ना कभी कभी सामने से आके कोई आपको इरिटेट कर रहा है, सामने से आपका पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इन लोगों से थोड़ा सा अगर दूर रहोगे ना। हेलो फ्रेंड्स, शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। घर, मकान, कार्यालय, कमरे, फैक्ट्री आदि के दरवाजे है ना अंदर की तरफ खुलते हैं, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत सही होता है। थैंक यू। इस यंत्राज के वजह से आपके घर में आने वाले जो भी मतलब निगेटिव थॉट्स लेके आ रहे हैं, वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। आपके घर में आने वाले किसी भी व्यक्ति की आपके घर में किसी भी मेंबर्स को नजर नहीं लगेगी, इसलिए ये यंत्रा है। ठीक है, कई यंत्र ऐसे कि आप फाइनेंशियली साउंड हो, ये आपके माइंड में फिट होने वाला है, तो जहां कहीं पे आप ज्यादा आते जाते हो ना, वहां पे ये रख दीजिए। मतलब आपके న్యూమరాలజీ అనేది చాలా మంది అంటున్నారు లైక్ అది వర్క్ చేస్తుందా చేయదా అని చెప్పేసి, బట్ అది చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది. నేను ఐ కెన్ లైక్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో నేను చెప్తున్నాను. ఎవరైనా కానీ ప్లీజ్ మీరు శీతల్ మ్యామ్ కన్సల్ట్ చేయండి. తను ఇచ్చిన రెమెడీస్ ఏదైనా కానీ కరెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యి
కరెక్ట్ గా చేస్తే మీరు మీ ట్రబుల్స్ కానీ ఏదైనా ఉన్నా కానీ మీ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి మీ అంతట మీరు మీరు బయటపడే ఛాన్సెస్. మొబైల్ आपका जो मोबाइल है उसका हम लोग 24/7 यूज करते हैं, और आने वाली खुशखबरी मतलब हर मैसेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो हमेशा सही होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज भरा होना चाहिए, रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट भरा होना चाहिए. इसीलिए आपका फोन का नंबर बहुत मैटर करता है, और जब आपका फोन का नंबर मैटर करता है तो यस, आपके बजट के हिसाब से मैं आपके लकी नंबर्स तो बताती हूँ, बट फिलहाल के लिए 3, 6, 9 गुड फॉर एवरी मोबाइल. कल की तैयारी आज ही करनी पड़ेगी. कल का आपका जो भी कैलकुलेशन है वो आज रात में आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, और फिर कल सुबह सबसे डिफिकल्ट काम आपको पहले करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफिकल्ट काम बाद में और फिर वो होता रही, और उसके वजह से काफी सारे काम रुक जाते हैं. इसीलिए क्या आपका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? क्या आप भी वर्क फ्रॉम होम से बॉस के साथ झगड़े कर रहे हो? तो यस डेफिनेटली, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप बैठ के आपका वर्क फ्रॉम होम करोगे तो डेफिनेटली आपके बॉस के साथ झगड़े नहीं होंगे, और दिन में आपको काम का स्ट्रेस भी कम आएगा. थैंक यू ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू बी इम्प्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू हैव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. बट ये सब माने से पाने के लिए आपको वैसे सोच बनानी पड़ती है. सोच बहुत मैटर करती है. जब आप सोचते हो ना कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है. बस अपनी सोच बदलो और सक्सेसफुल, आपको खुद को इम्प्रूव करना और बेटर क्वालिटी लाइफ आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है. थैंक यू. हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एनिमोलॉजिस्ट. मेरा हर दिन होता है नाउ और नेवर. मैं कभी भी किसी भी चीज़ में अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करती हूँ. मैं कहीं आउटडोर जाने दीजिए, मार्केट होने दीजिए, न्यूमोलॉजी होने दीजिए, मैं जब फ़ोन पे बात करती हूँ, जब आप लोग मुझे कॉल करते हो, तब भी मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढती हूँ. तो यस, आपका भी हर दिन नाउ और नेवर जैसे ही होता है, तो आप डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल बनने का पहला स्टेप चढ़ना शुरू कर रहे हैं. बहुत बार ऐसे होता है आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके क्लोज वन आपको उनका पेन सुनाना चाहते हैं, उनका दर्द सुनाना चाहते हैं, उनकी फीलिंग सुनाना चाहते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं पता है आपको, हम हमारी हमारा दुखड़ा उनके सामने रोना शुरू कर देते. ऐसे नहीं करिए, बस सामने वाले का सुन लीजिए. जब तक उसके दिल से वो सारी चीज़ें नहीं निकल जाती है, उसे एक पीसफुलनेस नहीं मिलता. इसीलिए हमेशा जब आपको कोई अपने दिल की बात बता रहा है, तो वो नंबर सूटेबल और विच बिजनेस सूटेबल ये आपको बताया जाएगा. विच सिटी सूटेबल, बहुत बार ऐसे होता है कि आप आपके सिटी से बाहर जाके बिजनेस करना चाहते हो, बट मोस्ट ऑफ टाइम वहां पे सक्सेस नहीं मिलता है. तो वो सिटी आपके लिए सूटेबल है या नहीं, वो जगह आपके लिए सूटेबल है या, वो बताया जाएगा. आपका ऑफिस लेने से पहले वो ऑफिस आपको सूटेबल है या नहीं, वो बताया जाएगा. फिर हाउस का नाम होने दीजिए या व्यापार का नाम होने दीजिए, वो सही होने. इमोशंस में आके आप गलत डिसीजन ले लेते हो, तो राहु आपका डिसीजन सही करने में आपको हेल्प करता है. इसी तरीके से अगर आपको बार बार ये नंबर्स दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, आपके जो ड्रीम्स है वो कम्प्लीट होने वाले हैं. हाँ, आपको पैसे भी मिलने वाले हैं, और आपके सारे डिसीजन सही होने वाले हैं. तो यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं, काफी सारे लोग आके मुझे बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम में चंद्रमा जो है, मतलब जो मून है, वो आपके सपने पूरे करने में आपको हेल्प करता है. जुपिटर जो है वो आपको डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी देता है, और राहु जो है वो आपके सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है. मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि डबल वन किसी को दिख जाता है, ट्रिपल वन किसी को दिख जाता है, 1010 दिख जाता है, 1414 दिख जाता है. तो ये सारे हो गए एंजल नंबर. अब ये एंजल नंबर पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, बट अगर आपके घर में किसी को कोविड हुआ है या कोविड पॉजिटिव केस आपके घर में है, आजू बाजू में है, तो उनके फैमिली मेंबर्स या उनके क्लोज वन ने अगर सफेद कलर की मिठाई, दूध, दही और चावल अगर डोनेशन में देते हैं जरूरतमंद को, तो आपके घर में जो कोविड का इफेक्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली कम होते हुए दिखेगा. साइकोलॉजी भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. एनर्जी की बात है,
तो ये काफी ऐसे सजेशंस देती हैं जो इम्पैक्ट भी बहुत होता है इनका, काफी अच्छा इम्पैक्ट होता है। जी ठीक है। अच्छा मर्ज करते हो, पैसे वाली भी पारिवारिक भी, आपको सजेशंस क्या मिलते हैं? ऐसे सजेशंस जो आप किसी को बताते नहीं हो, कि ऐसे सजेशंस जो आम जिंदगी के होते हैं, इस्तेमाल करते हो और तुरंत असर आ जाता है उसका? हाँ मतलब सजेशंस तो बहुत उनके ऐसे कोई हाई फंडू सजेशंस नहीं होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, सिंपल होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि ये करने के लिए कही थी उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। अगर मैं बताऊं तो अथॉरिटी आई है, बिकॉज आई एम अ सेकेंड जनरेशन, मैं उस इस बिजनेस को संभालने वाला सेकेंड जनरेशन में हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि पहले जनरेशन के साथ जिन्होंने काम किया है वो सेकेंड जनरेशन को इजीली अडेप्ट नहीं करते हैं। तो एक अथॉरिटी क्रिएट हुई है उसके बाद, एंड इट वॉज वेरी मतलब ऐसा कोई हैसल फ्री हुआ है, सब कुछ काफी हैसल फ्री हुआ है। मुझे फेम मिला है, बिजनेस ऑर्डर्स बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट लॉकडाउन भी रहा है तो लॉकडाउन में भी वीवर गो। शीतल बाकर स्टॉक ब्रोकर एनिमोलॉजी। बहुत बार ऐसे होता है कि सक्सेस मतलब लाइक ऐसे थोड़ा सा दूर है और वो निकलते हुए आप लोग देख रहे हो और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि आप बोल रहे हो कि शीतल मैंने 99% वर्क किया है, खुल नहीं रहे है तारे, तो घर में कोई भी पुरानी चाबी पड़ी होगी वो आप सिर्फ बहते हुए पानी में डाल दीजिए, फ्लोटिंग वाटर में डाल दीजिए, अपने आप आपके नसीब के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। तो 108 मणि वाली माला क्यों? 108 मणि हमारे शरीर में ना 108 ऊर्जा स्थान होते हैं, 27 नक्षत्र जो चार चरण होते हैं, नक्षत्रों के भी चार चरण होते हैं, और 27 नक्षत्र मल्टीप्लाइड बाय 4 108 मतलब 108 आते हैं। 108 ऊर्जा स्थान आपके वास्तु में भी होते हैं, इसीलिए जो जब आप 108 मणि की माला का जाप करते हो, हर मणि जब आप जाप के बाद आगे बढ़ाते हो तो उसकी वाइब्रेशन और बढ़ जाती है और आप जो भी भगवान से मांग रहे हो वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से इसीलिए बहुत सोच समझ के 108 ये आंकड़ा बनाया है, एसिमोलॉजी 9। आप किसी और का दिमाग लगा रहे हो। म्यूचुअल फंड की अगर सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं तो जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, या तो फिर नॉलेज है बट आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ऐसे टाइम पे जब आप आपके फंड किसी और म्यूचुअल फंड मैनेजर को आप बोलते हो कि मेरे फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, अगर एंड ऑफ द फॉर्मेट आपने देखा होगा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट बढ़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड का रेट बढ़ेगा। शुभंक, हमारी एक खास सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाखरे जी से। शीतल बाखरे जी देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो हमें इस शो के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये ज्ञान देती हैं, ये जानकारी देती हैं कि उनका नंबर क्या है, उस नंबर का क्या प्रभाव है। हाय, दिस इज शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। कौन से पौधे आपके घर में होने चाहिए? रोज प्लांट्स, स्काई ब्लू कलर के फ्लावर के प्लांट्स, देन गेंदे के फूल का प्लांट, देन उसके बाद में अगर आप रखना चाहते हो घर में तो मनी प्लांट भी आप रख सकते हो। सभी की सही डायरेक्शन हो तो डेफिनेटली आपको सही रिजल्ट मिलेगा। ऑल द बेस्ट बाकर स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। प्लांट हमने देख लिए, कौन से नहीं रखने वो भी देख लिए, कौन से रखने वो भी देख लिए। अब देखते हैं कि प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो किस शेप में होने चाहिए। ओवल शेप में होने चाहिए, हार्ड शेप में होने चाहिए, तीखे नहीं होने चाहिए, फ्रूटी शेप में होते हैं तो ज्यादा बेटर होते हैं। टिल देन गाइस ऑल द बेस्ट। बाकर स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। वास्तु के हिसाब से आपके घर में तीन चीजें हमेशा होनी चाहिए जिससे आपका घर पूरी नजर से बचा रहेगा, आपको धन प्राप्ति होगी, आपको सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। साबुत हल्दी, तुरटी और लौंग, ये तीनों चीजें हमेशा आपके किचन में अवेलेबल होनी चाहिए। टिल देन गाइस आपका स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। वास्तु बिना पौधों के अधूरी होती है, कौन से पौधे आपके घर में होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। डेजर्टेड जैसे कि कैक्टस आपके घर में नहीं होने चाहिए, बोनसाई आपके घर में नहीं होने चाहिए, सी प्लांट्स आपके घर में नहीं होने चाहिए। यस, और जो दूध मतलब जिसके पत्ते आप ब्रेक करते हो जिससे दूध निकलता है वो वाले प्लांट्स नहीं होने चाहिए, वो बीमारी ला सकते। शीतल बाखरे स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। ऑलमोस्ट 4:27 AM, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी तक मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, मेरा सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जीरो लॉस स्ट्रेटेजी, मनी पार्टनर स्ट्रेटेजी, 58 वीक स्ट्रेटेजी कहाँ से लाती हूँ, मैं काफ़ी सारे बुक्स पढ़ती हूँ और नई बुक मेरे हाथ में लगी है, नया खजाना मेरे हाथ लगा है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। और आपको पता है मैं हमेशा कटआउट डालते रहते और आप मुझे पूछते रहते, इसीलिए सोचा चलो आपको बता दूँ। अभी तो मतलब लाइक मेरी पार्टी चल रही है, मैं अभी भी बुक्स पढ़ रही हूँ, आपको भी यही करना है तभी जाके आप स्मार्ट हो। स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको भी फेम, आपको भी अटेंशन चाहिए, तो आपके घर का साउथ साउथ जोन जो कॉर्नर है तो वहाँ पे अगर पॉसिबल है तो एक पिंक कलर के
गुलाब के फूल का पौधा लगा दीजिए तो आपको भी फेम मिलना शुरू हो जाएगा। एज पर वास्तु आपके बर्थडे के हिसाब से सारी डायरेक्शन ठीक हो तो डेफिनेटली फेम, मनी, हेल्थ सारी चीजें मिल जाती है। हाय, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। बात करते हैं कछुए की। कछुआ अगर आप आपके घर में रखते हो तो कछुआ शास्त्रों अनुसार धन और हेल्थ और संपत्ति का कारक है। जब कछुआ आप क्रिस्टल का घर में रखते हो, वो भी नॉर्थ साइड रखते हो, तो धन की कभी कमी नहीं रहेगी, हेल्दी एटमॉस्फियर रहेगा और यस, आपके व्यापार में वृद्धि होते हुए आप देखोगे। टिल देन गाइस, ऑल द बेस्ट। ए हाय, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। क्या आपके साथ भी ऐसे हो रहा है कि आप आपकी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो बट सामने वाले के दिल और दिमाग तक वो नहीं पहुंच रही है? तो बहुत सिंपल रेमेडी है। आपकी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग अगर आपको बहुत अच्छे से करनी है तो बहुत सिंपल रेमेडी है, लेफ्ट ईयर के पास जाके उसको करिए। आपकी जो भी फीलिंग है, आप जो भी बोलना चाहते हैं, आई लव यू, योर माइन ओनली, वॉट एवर आपकी जो भी फीलिंग है आप बोल सकते हो और यस, वो बाउंडिंग बहुत अच्छी होते हुए आप लोग देखोगे। स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट दो सीक्रेट वेबसाइट में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बच्चों से लेके आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स तक की प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट होते हुए मिलेगी। फिर स्टॉक मार्केट, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हो आस्क द पब्लिक एंड ऑल्सो आस्क, आस्क द पब्लिक एंड ऑल्सो आस्क। ये दो जो वेबसाइट है ये सीक्रेट वेबसाइट है, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको आराम से। हाय, शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। हे माहितीये तुम्हाला कि जो कोणी स्वप्नांवर विश्वास ठेवतो ना त्याला त्या स्वप्नांचा अर्थही लावता येतो आणि तो त्यांना पूर्णही करतो। म्हणून तुम्हाला तुमच्या स्वप्नांचा अर्थ माहितीये ना, तर मग लागा कामाला। ए हाय एव्हरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। जब आप प्लॉट खरीदते हो तो एज पर बर्थडे आपको कौन सी चीजें देखनी चाहिए? प्लॉट लोकेशन देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ प्लॉट देख लीजिए, शेप ऑफ द प्लॉट देख लीजिए, क्वालिटी एंड कलर ऑफ सॉइल देख लीजिए, अप्रोचिंग रोड देख लीजिए और जंक्शनल प्लॉट देख लीजिए। एज पर योर बर्थडे सारी चीजें ठीक है तो डेफिनेटली उस प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऑलवेज गुड फॉर यू। जब मैं पहली बार उनको ये होने के बाद जब मैं पहली बार उनको मिली मुंबई में, तब एक अलग ही तरीके की पॉजिटिविटी मैंने पाई उनको मिलके, खुद के अंदर मैंने एक चेंज पाया। और मुझे मेरा जो बिलीफ है न्यूमरोलॉजी में वो बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब उन्होंने मुझे एडवाइस किया था, जो भी उनकी जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उन्होंने मुझे काफी सारे नंबर्स मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जिस तरीके से आपकी कोर्ट इश्यूज चल रही है, कोर्ट में आपकी केस है और होता है लॉट्स ऑफ थिंग्स जो प्रॉब्लम्स आपकी है, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, घर में छोटे मोटे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, हेल्थ रिलेटेड इशूज, जॉब रिलेटेड इशूज, बिजनेस रिलेटेड इशू, सारे इशूज पे आपको सोल्यूशंस मिल जाती है एज अ न्यूमरोलॉजी, एज अ एस्ट्रोलॉजी, एज अ यंत्रा विद ये का। हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। एक नंबर मतलब बोला ही जाता है जिस नंबर को एक नंबर, वही एक नंबर की क्वालिटी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 1, 19, 10 और 28 जिनकी बर्थडे है उन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, दूसरों का आदर करना और खुद के लिए भी वही आदर एक्सेप्ट करना, ये उनका नेचर होता है। झुकना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इनके साथ बैठी हूँ मैं आज, इज माई न्यूमरोलॉजी क्लाइंट्स, हमने इनके साथ काफी वास्तु के काम भी किए हैं। जिशान सर, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा मेरे साथ? बहुत अच्छा रहा। आई मेट शीतल मैम एंड उन्होंने जो एडवाइजेस दी अभी मुझे एंड द वे शी कंडक्ट्स इट, इट्स अमेजिंग। और बहुत ही न्यूट्रल वे यू नो अपने सजेशंस देते हैं एंड दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल लाइक अस। और मुझे तो इसलिए पण आता तुम्ही जसं तुमचा एक्सपीरियंस शेअर केला की तुमच्या भावाला न्यूमरोलॉजीचं खूप चांगला प्रॉफिट म्हणजे बेनिफिट झाला, तर तुमचं ऐकून सरांना पण वाटेल की हा मला पण बेनिफिट होईल, तो सरही मला उद्या फीस ट्रान्सफर करतील, तर मग माझी वास्तू काय झाली? मनी मॅग्नेटिक वास्तू झाली, म्हणजे मी काय झाली? मनी मॅग्नेटिक झाली। सो तो त्या वास्तूचा खूप चांगला इफेक्ट असतो। तर कधी पण बिझनेस किंवा तुम्ही घर बनवताना ना ती वास्तू आधी बनवून घेतली ना तशी, त्या वास्तूची ग्रॅव्हिटी अपने हात पे उनका नाम लिखिए और मुठ्ठी बंद करके रखिए, देखिए कैसी आपकी हर वो विश उनके साथ आप जहां जाना चाहते हो,
डेजर्ट में जाना चाहते हो, आइसक्रीम्स खाना चाहते हो, होटलिंग करना चाहते हो, घूमना चाहते हो और उन्हें अपने लाइफ में एंटर करना चाहते हो, तभी जाके आपकी ये सारी विश कंप्लीट होगी। तो गाइस, यंगस्टर स्पेशली अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ बस उनका नाम लिखिए, मुट्ठी बंद करिए और सो जाइए। टिल देन बाय बाय। कहीं ट्रेक करते हो या लाइफ में भी आप कहीं और चलना चाहते हो तो वहाँ पे कितनी बेबी स्टेप्स लेना जरूरी है ना, ये अभी मुझे सर ने बताया। सर प्लीज आप एक्सप्लेन करोगे कि कैसे करना है। आप जब रुक जाते हो हाँ, तो बैठना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जगह पे खड़े रह के आप सिर्फ काउंट चालू करते हो 1 2 3 4। जितना आप 25 20 30 तक आते हो तब तक आप रिलैक्स हो जाते हो, फिर चलना चालू करना है। फिर कुछ स्टेप चलने के बाद में जब ऐसा लगे कि अब मैं थक गया,